दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा से है, जहां चेक पोस्ट सुहागी में ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने की शिकायत को लेकर आज ट्रक एसोसिएशन और कांग्रेस नेत्री कविता पांडे के साथ ही दर्जनों लोग कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए, जहां ज्ञापन सौंपते हुए अवैध वसूली को रोकने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस पार्टी विरोध के स्वरूप में सुंदरकांड का पाठ करेगी। रीवा इलाहाबाद रोड में बने सुहागी चेक पोस्ट में अवैध वसूली करने की शिकायत कमिश्नर अनिल सुचारी से की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि चेक पोस्ट से निकलने वाले प्रत्येक ट्रकों से 500 लेकर के 2000 रुपयों से ज्यादा तक की अवैध रूप से रकम वसूली जाती है और रुपए ना देने पर ट्रक चालकों के साथ मारपीट की जाती है। ट्रक को चेक पोस्ट में ही खड़ा करवा लिया जाता है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि चेक पोस्ट पर करीब 2 दर्जन गुंडे और बदमाश टाइप के लोग रहते हैं जो जबरन वसूली करते हैं, जिसकी शिकायत लेकर आज कमिश्नर कार्यालय पहुंचे हैं और अवैध वसूली रोकने के लिए ज्ञापन सौंप कर मांग की है। इस दौरान कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की जाती तो सुहागी चेस्ट पोस्ट में धरना देकर सुंदरकांड का पाठ करेंगी। परिवहन विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब आज यहां पर आए हैं। परसों मैं चाक घाट जा रही थी तो रास्ते में सुहागी टोल पर मुझे बहुत सारे लोगों ने ट्रक वालों ने मुझे रोक लिया था और किसी से 5000, किसी से 1000, किसी से 2000 रुपए लिए जा रहे थे। तो वहां पर भारी मात्रा में वसूली चल रही है। सरकारी आदमी वहां ना के बराबर थे और प्राइवेट आदमी वहां बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। ना उन्होंने ड्रेस पहन रखा था, ना ही कोई बैच मिला था, ना ही कोई नंबर लगा था, और इस तरीके से वहाँ पर वसूली चल रही है। और इसी तरह ये पता चला है कि हनुमाना टोल प्लाजा में टोल पैलेस पे ये भी चल रहा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि इस तरीके की जो अवैधानिक वसूली चल रही है इसको बंद करा जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी का ये जो परिवहन प्रकोष्ठ है उसके नेतृत्व में हम सब लोग वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे और इसका विरोध पुरजोर तरीके से करेंगे। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के भी मैं अध्यक्ष हूँ और यहाँ कमिश्नर साहब के हमें लेटर देने आया था, दीदी थी साथ में, और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर अवैध वसूली गुंडा राज नहीं ख़त्म होगा तो हम लोग 15 दिन के अंदर सुहागी चेक पोस्ट में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। देखो अवैध वसूली है, वहाँ गुंडा राज है, लोकल लड़के बैठे हैं, सरकारी कोई है नहीं, 3-4 सरकारी हैं, 17-18 लोकल हैं, भतीजे, साले, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, यही सब वहाँ पे हैं। ये सब ख़त्म करना है और अवैध वसूली बंद करानी है। किसकी वसूली होती है? परिवहन विभाग चेक पोस्ट में कर रहे हैं, अंडर लोड गाड़ियाँ हैं, सारे पेपर रुके हैं, उसके बाद भी उनको 2000 रुपये, 1000 रुपये, जो जैसे गाड़ियाँ हैं, 10 चक्का है 500, 12 है 800, 14 है 1000, 16 है 1500, 22 है 2000, चक्कर में चाहिए। अंडर लोड गाड़ी है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, कोई भी पेपर वैध नहीं है, सब वैध है, अवैध नहीं है, उसके बाद भी ज़बरदस्ती उनसे पैसा लिया जाता है। नहीं देंगे तो गाड़ी खड़ी करा देंगे, रात भर गाड़ी खड़ी रहेगी, कोई मतलब नहीं निकलता है, बस वो ड्राइवर को मारेंगे, पीटेंगे, उठपटांग, गाली गुप्ता। ड्राइवर सब छोटे जात वाले रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनका कोई वहाँ माई बाप तो है नहीं।